मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिनमें कोरोना वायरस के संदिग्ध या फिर जिन्हें होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है उनके साथ कुछ लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ये समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दूसरे से सिर्फ सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है, न कि इमोशनल या ह्यूमन डिस्टेंस। ऐसे लोग कोई अपराधी नहीं है, बल्कि वायरस के संभवित पीड़ित भर है। इन लोगों ने दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं। कई जगह पर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया है। यहां तक कि वायरस के कोई लक्षण नहीं दिखने पर भी उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे विदेश से लौट करके आए हैं और दोहरी सावधानी बरत रहे हैं। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कोई दूसरा व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित न हो पाए। इसलिए जब लोग खुद इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं तो उनके साथ खराब व्यवहार करना कहीं से भी जायज नहीं है, बल्कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक सहयोग करने की आवश्यकता है।